आज हम लोग ग्लिटर पेपर से क्राउन बनाने सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम A4 साइज़ का एक पेपर लेंगे, ठीक है। अब हमें इसे किस तरह फोल्ड करना है ये देख लेते हैं। इसे बराबर इक्वल करके आप बीच से फोल्ड करना है, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। फिर इसे बीचों बीच इस तरह से फोल्ड करना है, इसे और एक बार इस तरह से और एक बार, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। तो ये जो साइड बंद है उस साइड से हम इस पे डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमें काटना है। तो देखिए किस तरह से हमें डिज़ाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से करके इस तरह, ठीक है। तो इस तरह हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है, अब हम इसे काट लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। अब हम इसे रख करके ग्लिटर पेपर को काट लेते हैं। ये मैंने ब्लू वाला ग्लिटर पेपर लिया, अब हम इसमें इसे काटेंगे। इसे आप इस तरह से रखिएगा, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद यहाँ से आप इसके लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा काटने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसके आगे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कट करने पे ये कुछ इस तरह से कट हो रहा है, ठीक है ना। और लास्ट वाला पार्ट हम लोग इस तरह से कट कर लेते हैं। जब हमने कट किया तो इससे दो पार्ट निकल कर के आए, ठीक है। और मैं दोनों पार्ट से, मतलब इससे भी और ये डिज़ाइन, ये दो डिज़ाइन आ रहे हैं, ये दोनों से क्राउन बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये इस तरह का डिज़ाइन आया है, आप देख सकते हैं दो तरह के डिज़ाइन आए हैं, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन देख लीजिए, अगर ये फोल्ड होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप। और इसी तरह ये वाला क्राउन जो है, इसे जब आप फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, देखिए। तो ये काफ़ी बड़ा है नीचे में एरिया, इसलिए मैं इसके नीचे वाले एरिया कट कर लेती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो हम लोग नीचे के एरिया को हम लोग कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए मैंने नीचे का जो पोर्शन था उसे मैंने कट कर लिया है। और जब हम लोग क्राउन बनाएंगे तो उसमें ये पीछे साइड में यूज़ होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे बाद में, ठीक है, इस तरह से। अब है इसमें डेकोरेशन करने के बारे कि हम इसमें डेकोरेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। डेकोरेट करने के लिए मैंने एक सिल्वर कलर का एक पतला सा पट्टी काटा हुआ है, और ये लगभग आपका 1.5 सेंटीमीटर है। उसे हम ग्लू गन के सहायता से यहाँ नीचे में फिक्स करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह फिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक
बीजबे पर काटा हुआ है, इसे हम लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ाई करके हम इसे काट लेंगे 2 टुकड़ों में, ठीक है, कुछ इतना बड़ा साइज का, जिससे कि हम यहाँ पे प्लेस कर पाए, ठीक है, यहाँ पे सब प्लेस कर दीजिए। और अगर साइज ठीक नहीं है तो इसे फिर से आप थोड़ा सा कट करके फुल साइज, तो यहाँ पे ये मैंने फिक्स कर दिया है। इस तरह से हम इसे डेकोरेट करेंगे और बीच के पोर्शन पे हम यहाँ पे स्टार लगाएंगे, ठीक है, बीच के पोर्शन पे हम यहाँ स्टार लगाएंगे। तो ये देखिए अब हम लोग का क्राउन रेडी है। तो ये हमारा एक क्राउन रेडी है और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब हम इसी तरह दूसरे क्राउन को डेकोरेट करेंगे। अब हमारा दूसरा क्राउन है, अब हम इसे डेकोरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमने स्क्वायर काटे थे ना, तो वो लगभग आपके 1.5-1.5 सेंटीमीटर के थे, तो अब मैंने जो स्क्वायर काटे हैं वो लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर के हैं, इतने छोटे छोटे, ठीक है। और इसे ही हमें यहाँ पे नीचे में बेस के लिए फिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ फिक्स करके कि हमें किस तरह से फिक्स करना है। तो ये आपको कुछ इस तरह से फिक्स करना है कि दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो, ठीक है, इस तरह से आप फिक्स करते जाइएगा। तो इसे कुछ हम इस तरह से अरेंज करेंगे। अब हमें ऊपर के लिए मैंने एक यहाँ पे सिक्का लिया है, आप किसी भी चीज़ की हेल्प से एक 3 सेंटीमीटर वाला जो मैंने काटा था सिल्वर ग्लिटर, उसी में मैं इसमें ड्रॉ कर लूँगी सर्कल, ठीक है, एक कॉइन की हेल्प से हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, देखिए इस तरह से। अब हम इसे कट करके निकाल लेते हैं। तो कट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से सर्कल होंगे, इसे हम एक को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, और दूसरे को हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। और ये बीच के एरिया पे हम यहाँ पे स्टार जो मैंने खरीदा था उस स्टार को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ये इस तरह से। तो ये हमारा दूसरा क्राउन भी रेडी हो गया। तो हमारा जो क्राउन रेडी हो गया है दोनों, तो हमने जब कल इसमें जो पतली पट्टियाँ काटी थी उसे हम अब इसे पीछे में फिक्स करने वाले हैं। इसे फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, दोनों जो है ग्लिटर उसको आप ऐसे पकड़ के एक स्टेप पर हम यहाँ करेंगे और दूसरे स्टेप पर हम यहाँ पे करने वाले हैं, और दोनों साइड से हम इसी तरह स्टेपल करने वाले हैं। और स्टेपल करने के बाद देखिए वो किस तरह दिखता है। तो ये देखिए हमने साइड में यहाँ पे स्टेपल किया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, उसी तरह से दूसरी साइड भी हमने स्टेपल किया हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब इस क्राउन को देखिए कि वो किस तरह लग रहा है। अब आप इस क्राउन को देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। तो इसी तरह से आप भी अपने घर में क्राउन बनाइए, आप इसे बहुत अलग अलग तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं और इसी तरह आप इसे अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।